After understanding basics of final accounts, today we are going to start with sum number 8 from our textbook. Let's read the question. Brahma and Vishnu are partners of a firm sharing profits and losses in the proportion of 3:2. From the trial balance dated 31st March 2017 and adjustments, prepare annual accounts of the firm. Trial balance of the partnership firm of Brahma and Vishnu as on 31/3/2017. थोड़ा क्विकली रीड करते हैं. बैलेंस इज दिए हुए ड्रॉइंग्स ब्रह्मा एंड विष्णु लीज ओल्ड बिल्डिंग. फ्रेंड्स रिमेम्बर ये हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है. मशीनरी ऑफिस की दी हुई है. डिस्काउंट अलाउड डेटर्स कैरेज आउटवर्ड फर्नीचर फिक्स्चर्स ऑब्वियसली सारे डेबिट बैलेंस है. सैलरी बैड डेट्स बिल्स रिसीवेबल ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कैश बैलेंस स्टॉक. फ्रेंड्स रिमेम्बर ये क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है. जनरली आपने देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में होता है, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक वो हमारे लिए असेट है तो उसको हम लोग असेट साइड पे रखेंगे. वी विल सी टू इट जब भी ये आएगा. कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है ब्रह्मा एंड विष्णु. लोन ऑफ ब्रह्मा. फ्रेंड्स रिमेंबर पार्टनर की अगर लोन होती है तो कुछ नहीं बोला है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है. 6% इंटरेस्ट विल बी provided. All right. Discount received, creditors, commission, bills payable. Most important thing, friends. Trading account का credit balance दिया गया है. इसका मतलब साफ है. आप लोग समझिए ध्यान से यहाँ पे सुनिए मुझे. Trading account का अगर closing balance दे दिया है इसका मतलब ये हुआ कि you have already prepared trading account and this is nothing but gross profit. ये क्या दे दिया गया है? Gross profit. मतलब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे. हमारे फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इतनी चीजें रहने वाली है. लेट्स रीड द एडजस्टमेंट्स. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 6% ऑन मशीन एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स. राइट ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट. एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड 4000 आर पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु. ऑलराइट, पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो ऑब्वियसली इसकी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी. आपने मेरे बेसिक वाले लेक्चर में भी ये सुना होगा एज वेल एज चैप्टर 1 के अंदर भी ये है. कमीशन ऑफ ₹500 इज रिसीवेबल एंड लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹3000. फ्रेंड्स रिमेंबर आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा यही रहने वाला है. पहले होगा ट्रायल बैलेंस और उसके बाद एडजस्टमेंट्स. फ्रेंड्स रिमेंबर एडजस्टमेंट के हम लोग दो इफेक्ट देते हैं और ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट. हम लोग हमेशा पहले एडजस्टमेंट्स एंड उससे रिलेटेड आइटम्स सॉल्व करेंगे. प्लीज चेक फ्रेंड्स. डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी. चलिए मशीनरी कहाँ पे, ये रहा मशीनरी ₹50,000. मैं लिखूंगा बैलेंस शीट के अंदर. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई बैलेंस शीट में मशीनरी वी आर गोइंग टू राइट डाउन एट ₹50,000 जिसपे हमें 6% डेप्रिसिएशन काउंट करना है. बताइए मुझे 50,000 का 6% कितना होगा? 3000 हो जाएगा. एंड 3000 होता है तो यहाँ पे कितना होएगा? 47,000. एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So, two depreciation on machinery, it is 3000. Yes, friends, please verify. हमने यहाँ पे आप देख सकते हो profit and loss account, P&L Pro, partners capital account and balance sheet, ये prepare करके ready रखा हुआ है. For your information, this is going to be your page number 1, this is going to be your page number 2 and notebook के अंदर ये हो जाएगा आपका page number 3. All right, चलिए start करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं. प्लीज वेरीफाई 20% फर्नीचर एंड फिक्स्चर पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है. फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स कितना है? ₹5,000 है. चलिए जाके लिख देते हैं हम लोग बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स ₹5,000 एंड माइनस करना है हमें डेप्रिसिएशन 20% यानी 1000 होगा. आई होप यू ऑल आर हैविंग कैलकुलेटर्स. 5000 का 20% इट इज 1000 एंड उसका दूसरा इफेक्ट आएगा P&L अकाउंट में ऑब्वियसली डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स इट इज 1000 बिकॉज इट्स अ लॉस टू अस. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एंड बैड डेट. अब देखिए बैड डेट्स की अगर बात आती है तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी क्या किया था. डेटर्स में से हम लोग बैड डेट को डिडक्ट करते हैं एडजस्टमेंट के बैड डेट को. एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं. कैसा फॉर्मेट? टू बैड डेट, बैड डेट,
बैड डेट रिजर्व एंड वन लाइन लीव करके बैड डेट रिजर्व क्या लिखते हैं यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले मुझे डेटर्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू है 40,000 रुपीज, डेटर्स की वैल्यू है यहाँ पे 40,000 रुपीज, और उसमें से हमें 500 रुपए का बैड डेट राइट ऑफ करना है। तो 500 रुपए का बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट हुआ है, ये बैड डेट का फिगर आया कहाँ से, एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ था ना, सो 500 रुपीज का हम लोगों ने बैड डेट डिडक्ट कर दिया। और तो कोई एडजस्टमेंट डेटर्स के बारे में है नहीं, अगर होता मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स में बताऊंगा कि अगर बैड डेट है, बैड डेट रिजर्व है, उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व है, तो हम लोग कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन में तो बताया ही था। चलिए, एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 एंड 4,000 आर पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। फ्रेंड्स, पार्टनर्स के बीच का ट्रांजेक्शन है, कैन आई राइट डाउन ओवर हियर टू सैलरी, एनुअल बोला गया है, ब्रह्मा एंड विष्णु 5,000 एंड 4,000 बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, करेक्ट, एंड ब्रह्मा एंड विष्णु के लिए एक इनकम है। बी में लिखेंगे हम लोग 5,000 एंड वी में लिखेंगे हम लोग 4,000। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कमीशन ऑफ रुपीज 500 इज रिसीवेबल। नाउ सी फ्रेंड्स, कमीशन यहाँ पे 2,500 दिया गया है, तो ओरिजिनल कमीशन पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय कमीशन 2,500 एंड प्लस रिसीवेबल इट इज 500, सो आउटर कॉलम इट इज 3,000 एंड फ्रेंड्स कमीशन इज रिसीवेबल, सो अमाउंट इज लाइक मैं तुमने कीधु तू जो रुपीस लेवाना थता हुए, तो यू हैव टू राइट डाउन ऑन द असेट साइड, सो कमीशन रिसीवेबल 500 रुपीस। टेल मी नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ रुपीस 3,000। फ्रेंड्स, सैलरी कहाँ पे, 7,500 दी हुई है सैलरी ओरिजिनल। चलिए यहाँ पे ध्यान, सो सैलरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे 7,500 एंड प्लस कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, सो आउटर कॉलम इट इज 10,500 एंड फ्रेंड्स दिस अमाउंट इज पेएबल। आपको पता है ना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की दो इफेक्ट क्या होती है, एक तो एक्सपेंस में ऐड करो, मैंने कर लिया, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी इट इज 3,000। ऊपर जगह इसलिए लीव की है कि कैपिटल के बैलेंसेस आने वाले हैं। ओके, देखिए आप लोग, मैंने नीचे से सारे एडजस्टमेंट क्लियर कर दिए, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए ड्राइंग्स दिया हुआ है 5,000, ऑब्वियसली ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, टू ड्राइंग्स 5,000 इन ब्रह्मा एंड 5,000 इन विष्णु। चलिए नेक्स्ट, लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000 1/4/16 से 10 साल के लिए। एक सेकंड, पहले लीज होल्ड बिल्डिंग हम लोग एक बार लिख लें यहाँ पे 60,000 और फिर उसकी वर्किंग नोट यहाँ पे करते हैं। फ्रेंड्स, वर्किंग नोट नंबर 1, लीज होल्ड बिल्डिंग, क्या आप मुझे बता सकते हो उन्होंने क्या दिया है, 1/4/16 से लेके 10 ईयर्स के लिए है, कोई बात नहीं। आपका साल कब खत्म होता है फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस में से पता चलेगा, 31/3/17 को खत्म होता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 31/3/17 को खत्म होता है तो स्टार्ट कब होता होगा 1/4/16 को। अब आप देखिए, लीज होल्ड बिल्डिंग भी 1/4/16 से स्टार्ट हो गया, कितने साल तक चलने वाला है, 10 साल तक, और ये 1/4/16 से शुरू करके एक साल, मतलब हमारा साल तो एक अकाउंटिंग ईयर के लिए है। तो देखिए, अगर जब 10 साल का टोटल लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉस्ट है, चेक कीजिए, टोटल लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉस्ट है 60,000 रुपीज, तो एक साल का कितना, कैन वी से 6,000 रुपये राइट ऑफ करने पड़ेंगे इस साल का खर्चा, सो माइनस करेंगे हम लोग राइट ऑफ 6,000 रुपीज, आउटर कॉलम इट इज 54,000 एंड इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ इट इज 6,000 रुपीज। देखिए, ऐसी कोई हिडन एडजस्टमेंट आता है तो हम उसे क्या करेंगे, दो इफेक्ट उसकी भी देंगे। नेक्स्ट वन, मशीनरी हो गया, डिस्काउंट अलाउड इज 350 रुपीज, ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड इट इज 350। अब देखिए ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट, डेटर्स हो गया, कैरेज आउटवर्ड इट इज 1200, सो टू कैरेज आउटवर्ड इट इज 1200। नेक्स्ट चेक कीजिए,
फर्नीचर फिक्सचर हो गया, सैलरी हो गया, बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इट इज 1200. देखिए बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इट इज 1200. नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल इट इज 20,000. बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखेंगे हम लोग इट इज 20,000. नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस इज 5900. फ्रेंड्स रिमेंबर कोई भी एक्सपेंस पी एंड एल में ही डेबिट होगा, सो टू ट्रेडिंग एक्सपेंस इज इट इज 5900. What's next? Cash balance 6000. Cash balance is our asset. So हम लोग balance sheet में लिखेंगे cash balance it is 6000. Stock दिया हुआ है तो stock भी 73,000 asset में ही आएगा. So closing stock friends it is 73,000. All right. चलिए उसके बाद capital 55,000 and 45,000. Okay. चलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ओपनिंग बैलेंस इट इज 55,000 एंड 45,000. नेक्स्ट लोन ऑफ ब्रह्मा 50,000 रुपीज. डेट भी दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं. पहले तो लोन ऑफ ब्रह्मा सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिख दें, लोन ऑफ ब्रह्मा 50,000 रुपीज. वर्किंग नोट नंबर टू, ब्रह्मास लोन, ये लोन का डेट भी दिया हुआ है 1/7/2016. नाउ फ्रेंड्स अगर आपने 1/7/16 को लोन लिया है, 31/3/17 को अगर आपका साल खत्म होता है, कैन आई से इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 9 मंथ्स, कितना होगा इंटरेस्ट? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर के लोन पे बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, कुछ नहीं बताया गया है, तो 6% एंड मल्टीप्लाइड बाय 9/12. ऑलराइट, चलिए कैलकुलेशन करते हैं. 50,000 इनटू 6% and into 9 divided by 12 and that comes to 2250. Now friends obviously ये जो interest on loan है वो हमारे लिए expense रहेगा. Expense यानी P&L account में हम लोग debit लिखेंगे 2250. Friends इसके भी जो fundamentals है वो fundamentals मैंने आप लोगों को already chapter number 1 में दिखा दिए थे. So यहाँ पे हम लोग add करेंगे plus interest on loan it is 2250 5225 0. All right, 52250. चलिए आगे, discount received is 400. So by discount received, it is rupees 400. So discount received is our income. Income है इसलिए P&L में credit side पे. Creditors 25,000. क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में असेट साइड पे. असेट साइड पे 25,000. नेक्स्ट कमीशन 2500 वो हो गया. बिल्स पेएबल 5000. यस बिल्स पेएबल इज अगेन ऑन द लायबिलिटी साइड. एंड लास्ट आइटम इज फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट 97250. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट इट इज 97250. देखिए सारी एंट्रीज यहाँ पे अब खत्म हो गई. ऑलराइट, क्या करना है? आराम से टोटल करके हमें फाइनल आंसर्स लेके आने हैं. फ्रेंड्स रिमेंबर कोई भी सम जब आपके सामने हो तब हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होंगे. एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे. ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम का एक इफेक्ट रहेगा. ओके, सम थोड़ा सा लंबा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. आप लोग अपने आप भी ट्राई करोगे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आंसर आ जाएगा. You have to keep your 100% concentration while solving the question. Okay? ठीक है, चलिए अब इसका total करते हैं हम लोग. Credit side का total पहले तो जो चीजें बाहर नहीं है उसको बाहर रख दो. जैसे कि ये 1700 minus कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, तो 1700 बाहर रख दिया, बाकी सब तो proper है. चलिए 97250 plus 3000 plus 400 तो that comes to 100650. Let's keep it over here. 100650. 100650 minus 3000 minus 1000 minus 1700 minus 10500 minus 6000 minus 350 minus 1200 minus 5900 and minus 2250. That comes to 68750. And that is to net profit. चलिए अब नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली P&L अकाउंट में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. क्रेडिट साइड पे 68750. लेट्स मेक दिस टोटल 68750 माइनस 9000.
comes to 59750 और ये ब्रह्मा एंड विष्णु में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर कुछ नहीं बोला है तो इक्वली, लेकिन हमें यहाँ पे 3:2 दिया हुआ है. ठीक है, तो चलिए 3:2 कर देते हैं. 59750 into 3/5 that comes to 35850 और बाकी का 2/5 करोगे तो मिल जाएगा 23,900. ऑलराइट, सो बाय प्रॉफिट कितना आया 35850 एंड 23900. ओके चलिए 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35850 सो दैट कम्स टू 95850 एंड माइनस 5,000 सो इट इज 90850 टू क्लोजिंग बैलेंस. 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23900 सो इट इज 72,900 माइनस 5,000 67900. चलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ब्रह्मा एंड विष्णु 90850 एंड 67900. 90850 67900 comes to 158750. Let's make the total of balance sheet. Plus 3,000 plus 52250 plus 25,000 plus 3,000. Sorry, plus 5,000 tha. Yeah. So that comes to 244,000. 47,000 plus 4,000 asset side pe plus आउटर कॉलम में अगर कुछ भी रह गया है तो लिख दो. 39,500 प्लस 500 प्लस 54,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 73,000 एंड दैट कम्स टू 244,000. दैट इज आवर फ्रेंड्स एग्जांपल खत्म हो जा रहा है. आपको मैंने जिस तरह से वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 किया है, यू आर ऑल्सो सपोज टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स एज एंड वेन रिक्वायर्ड. ऑलराइट, हम अपने नेक्स्ट क्लास में, हम अपने हर एक वीडियो में एक एक फाइनल अकाउंट का सम करेंगे एंड वी हैव अ प्लान टू डू ऑल द सम्स इनसाइड द क्लासरूम. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.